हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज ग्रहण लगा हुआ था, 6:30 बजे तक ग्रहण था। तो नहा के तब खाना बनाना पड़ता है ग्रहण में, तो मैं नहा धोवा के रेडी होगी। अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा मैं कैसे मटर पनीर की सब्जी बनाती हूँ। तो चलिए मैं खाना बनाने जाती हूँ। मटर पनीर बनाने के लिए 2 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन लिया था। अब मैं इसमें लोहिया में तेल डालूंगी, गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने पनीर डाला। पनीर डालने के बाद जब तक पनीर ब्राउन नहीं हो जाए तब तक मैं इसको नहीं निकालूंगी। देखिए पनीर ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें तेल डालूंगी, मटर को भूजूंगी क्योंकि उसको लाल नहीं होना है। लाल हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये देखिए मेरा मटर थोड़ा ब्राउन हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिया है इसको। मैं तेल डालूंगी क्योंकि इसमें तेल कम है, इसलिए मैं थोड़ा और तेल डालूंगी क्योंकि मटर पनीर में अच्छा तेल अच्छा रहता है, तो अच्छा टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैंने तेल डाल दिया, गर्म हो गया। अब मैं इसमें जीरा डाल दी, मिर्ची भी डाल दी। अब मैं इसमें जो काटी थी 2 प्याज वो भी डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी। ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया। जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अपने तैयारी कर लेती हूँ मसाला का। तो ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था, हल्दी, मिर्ची, धनिया और मटर पनीर का मसाला आता है वो भी डाल दिया मैंने। इसमें पानी ऐड कर दिया मिक्स करके, जब तक ब्राउन हो जाएगा तब तक मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए ब्राउन हो गया, मैंने मसाला डाल दिया। अब मैं इसको भूजूँ अच्छे से, जब तक ब्राउन नहीं हुआ तब तक। ये देखिए नमक रखते हैं, नमक रखने से थोड़ा प्याज गल जाता है इसलिए पहले ही नमक रख देते हैं। ये देखिए ब्राउन हो रहा है प्याज, सब तेल भी ऊपर ऊपर दिख रहा है तो ब्राउन हो रहा है। तब मैं इसमें मटर डाल दी, मटर और पनीर दोनों डाल दिया मैंने। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर इसमें मैं मिक्स करके मैं इसको ढक दूंगी अच्छे से। ढक देती तो थोड़ा अच्छा रहता है, तो मैं इसको ढकूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि नमक पनीर में जा सके। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इसको, अब ढक दिया। ये देखिए ब्राउन हो गया। फिर मैंने इसको अच्छे से इसमें पानी डाल दिया। तो ये देखिए इसमें से धनिया पत्ता डाल दिया, धनिया पत्ता रखने का टेस्ट ही अलग होता है। तो ये देखिए मेरा पनीर तैयार हो गया। अगर अच्छा बनाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय दोस्तों।